और आपकी दोस्त साक्षी, और आज हम हैं मुंबई में। यहाँ एक एग्जीबिशन चल रहा है कला स्पंदन, जो कि आर्ट फेयर है, कला स्पंदन नेशनल आर्ट फेयर नेहरू सेंटर वर्ली। यहाँ कलर कैनवस एज मीडिया पार्टनर आया हुआ है, तो आज मैं आपको ले चलूँगी कला स्पंदन में और देखते हैं कि अंदर कितने तरीके की आर्ट आपको मैं दिखा सकती हूँ और कितनी जानकारी आपको और मिल सकती है इस एग्जीबिशन के थ्रू। तो चलते हैं आज हम नेहरू सेंटर वर्ली। कला स्पंदन आर्ट फेयर, एज यू कैन सी दैट कलर कैनवस इज अ मीडिया पार्टनर ओवर देयर, एंड द वेन्यू इज इट्स वीआईपी प्रीव्यू इज ऑन 21st September 2017 फ्रॉम 4 PM to 7 PM। द फेयर विल कंटिन्यू टिल 24th September 2017। थैंक यू एंड लेट्स गो इनसाइड। इंडियन आर्ट प्रमोटर प्रेजेंट्स कला स्पंदन आर्ट फेयर एट नेहरू सेंटर वर्ली। कलर कैनवस इज अ मीडिया पार्टनर ओवर हेयर। सो यहाँ पे ग्रुप 21 ने पार्टिसिपेट किया है। ग्रुप 21 जिसके ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर एससी आहूजा, जो खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, स्कल्प्टर हैं। लेट्स सी कि वो अपने ग्रुप के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। हेलो मिस्टर आहूजा। हाँ जी बोलिए। आप हमें ये बताइए कि ग्रुप 21 के थ्रू जैसा हमें जितनी जानकारी है, आप यंग आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है, तो आप उसके बारे में हमें और क्या बताना चाहेंगे। हमारा मकसद तो यही है कि जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, चाहे वो इंडिया में कहीं भी रहता हो, अच्छा काम करने वाला हो तो उसको जोड़ लेते हैं अपने साथ। उसके जोड़ने के बाद उसके काम को डिस्प्ले करते हैं। कुछ लोगों से पेमेंट लेते हैं, कुछ लोगों से पेमेंट भी नहीं लेते, जैसा जैसा माहौल हो वैसे करते हैं। आपके इस एग्जीबिशन में जो आप कला स्पंदन में कर रहे हैं, इसमें आपके साथ कितने आर्टिस्ट हैं? 28 आर्टिस्ट हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो आर्टिस्ट सिर्फ दिल्ली बेस्ड हैं या आपने ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट किए हैं? कोई बनारस से है, कोई शिमला से है, कोई सोलन से है, कोई दिल्ली से है, गुड़गांव से है, इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से, मतलब अलग अलग जो अवेलेबल थे वो हम ले आए उनको यहाँ पे। थैंक यू मिस्टर आहूजा, आपने हमें इतना समय दिया। और अब हम चलते हैं मिस्टर एसी आहूजा के आर्टिस्ट के पास और देखते हैं कि उनकी कलाकृतियाँ हमें क्या क्या मैसेज देती हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर एसी आहूजा की पहली आर्टिस्ट मिस अंबिका फ्रॉम शिमला एंड मिस रिद्धिमा फ्रॉम दिल्ली। हेलो अंबिका। हाय। आप बताइए आपकी पेंटिंग्स क्या मैसेज देती हैं सोसाइटी को? एक्चुअली आई डू फॉर माई सेल्फ एंड इन माई पेंटिंग्स ऑल आर माई एक्सप्रेशन, सो I do with joy, and my joy has lots of meanings. If you find out, there are too much meanings. But I am not a preacher, so there are lots of messages. Actually, everyone has the first right to be in joy. So enjoy my paintings. I can say only that. What is the medium you choose to draw your painting? Mostly canvas with acrylic and oil colors. Thank you so much Riddhima ji. And next we are moving ahead for the next artist of group 21. Ashish from Banaras. He is a very creative artist. So let's tell us Mr. Ashish, what you did on your canvas and what is the basic medium you used? Ma'am, basically main third base pe kaam karta hu, to maine isme ह्यूमन और नेचर के बीच का संबंध दिखाया है। जब हम नेचर से कोई भी चीज़ को यूज कर लेते हैं, इजीली यूज कर लेते हैं, लेकिन जब नेचर हमको परेशान करेगा तो फिर हम उसको पूरी तरह से बन जाएंगे, हम कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब फंस जाएंगे पूरी तरीके से। तो हमने दिखाया एक इंसान है जो कि पूरी नेचर से पूरी तरह झगड़ा हुआ है। और सेकेंड पेंटिंग हमने ये दिखाया है कि महिला जो है, लेडी पूरी तरह आज़ाद होना चाहती है, वो भी पुरुषों की तरह बाहर घूमना चाहती है, दौड़ना चाहती है, समाज दुनिया देखना चाहती है, लेकिन पुरुषों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम मतलब उनको छूट दें या ना दें, फिर किस तरीके का, तो वो सोच करके मतलब ये डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसलिए खोखला सा हो गया अंदर से, हमें डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है। इसको हमारा समाज ही बताया कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। फिर तीसरी पेंटिंग हमारी है, हमने इसमें दिखाया है बनारस का कल्चर, बनारस के साधु लोग वहाँ पर क्या कैसे बैठते हैं, वहाँ के कमंडल्स और वहाँ के जो होते हैं एलिमेंट्स, हमने उसको यूज़ किया है। ये वाटर कलर की पेंटिंग है हमारी। थैंक यू मिस्टर आशीष। अब हमारे साथ नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं मिस शगुन। हेलो मिस शगुन। हेलो। सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम हिमाचल। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक मीडियम यू यूज इन योर पेंटिंग्स एंड व्हाट इज द मैसेज फॉर योर पेंट फ्रॉम योर पेंट? बेसिक मीडियम व्हिच आई यूज इन माय पेंटिंग्स इज एक्रेलिक एंड दिस पेंटिंग इज मेड, आई हैव यूज्ड एक्रेलिक इन दिस पेंटिंग एंड आई हैव यूज्ड स्पैचुला टेक्निक व्हिच इज नाइफ पेंटिंग एंड आई हैव ट्राई टू मेक रेड पॉपीज व्हिच सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव एंड द कलर्स आई हैव यूज्ड वाइब्रेंट एंड व्हिच शोज हैप्पीनेस एंड like flowers are full of happiness and natural beauty, so I've tried to show
this thing in. Thank you so much, Ms. Shagun. So our next artist is Kaninika Sarkar. This is Ms. Kaninika Sarkar. So Ms. Kaninika, hello, welcome to Color Canvas. Thank you. So can you tell me, you did a great job. So what is the basic medium of your painting? All my paintings are in acrylic on canvas. And I'm a Bengali, so this is a new series on only on Kolkata, reminiscing on Kolkata. Okay. And what about this Shiva? Shiva, this is an Ardhaneshwar. This was something. It was an old painting, something I always wanted to do based on our Hinduism. So this is that. Thank you so much, Ms. Kaninika Sarkar. So hello, Ms. Kritika. Hi. And welcome to Color Canvas YouTube channel. Thank you. So, what is your painting is all about? See, I've made three pieces. Okay. They're not interrelated. They're different. He's my guru. So, I've been inspired by him. He's Pramukh Swami Maharaj. This one is this one was someone's pet. His name was Pablo. So, I caught their relation and I just decided to make him. So, I've made this. And that's for the love of flowers. I've made lilies. With Ms. Shikha. So, hello Ms. Shikha, welcome to Color Canvas. Thank you. So, what is the basic medium of your painting and what is the message you are trying to give our society through your painting? Okay, so basic medium is acrylic on canvas. Yeah. So, I generally use acrylic colors and my paintings are basically figurative. So, I use different kind of figures and messages are like I used to depict some social messages through my painting. And mainly in these two paintings, this is the portrait of a sadhu from Banaras. I'm from Banaras, that's why I used to paint this. And also, this painting is like combination of different kind of cultures. This lady is from Kerala and these are Banaras Ghats. So I'm just trying to combine all those images which are in my mind after, you know, going to the tour of Kerala. So these are basically the experimentation of combining different kind of cultures. So that is basically. Thank you so much, Shikha, for giving us your time. And our next artist. Hello, Mrs. Sulagna. Welcome to Color Canvas YouTube channel. Hello, friends. Thank you so much for inviting me for the interview. Thank you so much. So, Mrs. Sulagna, can you tell me what is the message you did on your canvas? एक्चुअली मैंने इंडियन वुमन नहीं पूरी दुनिया में जितने भी हमारे लेडीज़ हैं नारी है उनके ऊपर मैंने कुछ उनकी रेखांकन किया है तो मुझे लगता है कि उनके जो हमारे जो रोल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है हम जो कोशिश करते हैं कि मतलब जो भी निभाने की हमारी इस दुनिया में आके तो उसको मैं पूरी तरह कोशिश की है अपने पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट करने की तो ये सारे जितने भी पेंटिंग्स हैं मेरे उसी पे नारी चरित्र के ऊपर ही डिपेंडेंट है पूरी सारी उनकी ज़िंदगी उनकी ख्वाहिश उनकी एक स्टैंड अप होने की समाज में जो उनकी दर्ज मतलब वो दर्ज मिलनी चाहिए उनको उनकी जो अपनी एक इच्छाएँ हैं वो पूरी होनी चाहिए उनकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए इस पर मैंने दर्शाया है. आप कौन सा मीडियम बेसिकली यूज़ करते हैं पेंटिंग्स? मैं बेसिकली मुझे जो पसंद है मैं वाटर कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ और वाटर कलर और इंक के साथ मैंने इसमें कंबाइन किया है तो यही मेरी पेंटिंग्स का मीडियम है अभी फिलहाल. थैंक यू सो मच सुलगना जी आपने हमें इतना समय दिया. सो आर्टिस्ट इज मिस वैशाली. हेलो मिस वैशाली, वेलकम टू कलर कैनवस यूट्यूब चैनल. थैंक यू. सो व्हाट इज़ द बेसिक मीडियम ऑफ योर पेंटिंग्स एंड व्हाट इज़ द मैसेज यू आर ट्राइंग टू गिव आवर सोसाइटी थ्रू योर पेंटिंग्स? इट्स ऑयल एंड एक्रिलिक. आई एम बेसिकली दिस सीरीज इज ऑन वेडिंग डायरीज. सो आई हैव सिलेक्टेड द गर्ल्स इमोशंस हाउ शी फील्स एट द टाइम व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड. आई आल्सो रियलाइज दिस सब्जेक्ट हैज़न्ट बीन कवर्ड बाय एनी आर्टिस्ट अंटिल नाउ. So I worked on it and I recently got married, so I thought it's fresh in my head and the emotions I could have captured really well. So that's with my husband and I, and this is like the bidai scene. So you know, she's actually turning back, not thinking that she's losing all of it, but making the bond stronger and going back to the new life. So it's all on the wedding. Okay. Thank you so much, Vaishali, for giving us your time. So we are moving ahead for our next exhibition. Group 21.
2021 is Mr. Rohit. Hello, Mr. Rohit. Hello. So, welcome to Color Canvas YouTube channel. And I would like to know, what is the basic medium you use in your paintings? The upper one is oil on canvas, and the lower one is a mixed medium. Okay. It's an acrylic plus pen work. So it's look like the Rudra Roop of Shiva. From group 21 is Ms. Dipali. Hello, Ms. Dipali. Yeah, hi, my name is Dipali. I'm artist from Gurgaon. Basically, I'm landscape artist. I work in oil. As you know, there is a saying that all good things come wild and free. Like that, see, my series, basically, it is based on Himalayas. This is inspired from Binsar Valley, and this one is inspired from surrounding areas of Manali and Himalayas, around Himalayas. So, snow mountains with knife, this is my specialty. I work on weight technique. That's it. Thank you. Now we are moving ahead for the next artist of group 21. From group 21 is Mr. Bhupendra Dhuti. Hello, Mr. Dhuti. Hello. So, what would you like to tell us about your paintings? मैं अपनी पेंटिंग बस लास्ट ईयर स्टार्ट करी है ये वाटर कलर में तो मैं सबसे पहले नेचर को ही दर्शाना दृश्य को ही पेंट करना चाहता हूँ तो ये सारे जो भी है ना ये सब हिमाचल के क्योंकि मेरा हिमाचल के साथ बहुत अटैचमेंट रही है प्रकृति के साथ तो पहले यही विषय मैंने चुने हैं स्टार्टिंग में ये वाटर कलर में कर रहा हूँ तो वैसे तो मैं जन्म से करता हूँ मतलब सॉरी बचपन से ही करता हूँ पेंटिंग तो मिस अभी स्टार्ट करा ये मैंने लास्ट ईयर जो वाटर कलर ओके थैंक यू मिस्टर ज्योति आपने कलर कैनवस को अपना इतना समय दिया और अब हम चलते हैं ग्रुप 21 के अगले आर्टिस्ट की ओर Varanasi. Hello, Miss Lakshmi. Yes, ma'am. So, welcome to Color Canvas YouTube channel. Thank you. So, what is the basic medium you used in your paintings and what is the message they are giving to our society? मैं खुद की feelings को लेकर के मैं खुद की feelings को लेकर के work करती हूँ और जो social activities हैं जो social accident हो रहे हैं उसको लेकर के काम करती हूँ और mixed media में जैसे वुडन पे लेकर के मिक्स मीडिया में पैनल को लेकर के काम करती हूँ कभी ब्रंट करना इंग्रेव करना इन सारी चीज़ों को लेकर के थैंक यू मिस लक्ष्मी फॉर गिविंग अस योर टाइम तो वी आर मूविंग अहेड फॉर आर नेक्स्ट आर्टिस्ट मिस्टर मोहन जी फ्रॉम ग्रुप 21 मिस्टर मोहन हेलो मोहनलाल ग्रुप 21 गुड़गांव से हूँ और ये गणेश जी की पेंटिंग ने धार्मिक उस पर वो बनाया है कि गणेश जी का बहुत ज़्यादा सबसे पहले कोई भी काम होता है गणेश जी से स्टार्ट होता है इसलिए उसको माध्यम रखते हुए मैंने गणेश जी का बनाया है दिल्ली ही इज़ अ फोटोग्राफर अ क्रिएटिव मैन विद अ कैमरा यू कैन से सो हेलो मिस्टर अक्षय यस हेलो What is your photographs basically you took from which places? I actually went to Madhya Pradesh, and there are lots of forts and palaces over there, and so that is why I wanted to capture a unique character of that place. So that is what my work is all about. Thank you, Mr. Rakshay.